हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो अभी फिनोलेक्स केबल के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स आए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% इंक्रीज हुआ है, साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 14% इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 40% इंक्रीज हुआ है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 160% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी के बेहतरीन रिजल्ट्स आते हुए देखते हैं कि कल इस शेयर में अच्छी खासी ओपनिंग दिख सकती है। साथ ही में अब कंपनी डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,653.59 करोड़ का है, और यहाँ पर इंडस्ट्री का PE 58.89 और कंपनी का PE 21.41। तो इंडस्ट्री के PEs से तो ये आपको आधे रेट्स पे मिल रहा है। बुक प्राइस है 5.36 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे तो 64.36, मतलब इतने परसेंटेज की डिलीवरी लोगों ने यहाँ पर उठाई है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो यहाँ पर 4 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू 2017 में 2063 करोड़ का था, जो इंक्रीज हुआ है, और 2019 तक इंक्रीज हुआ है 3015 करोड़। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन 2020 में होता है कभी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो पाता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरा, 3004 करोड़, तो ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर गिरा नहीं है। साथ ही में आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए यहाँ पर कंपनी की, तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, और हर टाइम वही पे स्टैग्नेंट है, जैसे कि 0.35,000 करोड़, उसके बाद 0.31,000 करोड़, उसके बाद 0.37,000 करोड़ और 0.33,000 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वही पे अटक गई, और देखते हैं लेकिन इस बार जो कंपनी के रिजल्ट्स आए उसमें इंक्रीमेंट दिखाई दिया है। तो अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पर 5 ईयर हाई है कंपनी का 757.90 रुपीज़, और यहाँ पर फिनोलेक्स केबल का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 514.40 है, जो आज 1.93% डाउन था, 10.10 रुपीज़ डाउन था। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह से हो सकता है कल की जो ओपनिंग हो वो अच्छी खासी हो, और साथ ही में इस कंपनी के शेयर प्राइस ने एक ही महीने में 15-20% का रिटर्न भी दिया है। तो कल अच्छी ओपनिंग के बाद हो सकता है ये शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, जैसे कि मार्केट भी बहुत अनसर्टेन है अभी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको तो आप इस शेयर में बने रहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और अगर कंपनी की कल अच्छी ओपनिंग दिखती है तो आप थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं, और जब ये थोड़ा गिरे तो आप फिर से इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही बढ़िया है और कंपनी का कामकाज भी बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।